विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्लोक 25 से चालू करेंगे चौथा पांचवा अध्याय समर्थयन्ति तान् कामाः स्वराज्य परिभावितः दुर्लभानापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणां संगान सर्वान शनैर्जहौ गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु अक्षयरत्नाभरणाम्बरादिषु अनंत कोशे स्वकर दशन्मते तस्मा अदाद हरिश्चक्रां प्रत्यनीक भयावहां एकांत भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षण आरिराधयिषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासे त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुबनेर्चया
मुकुंदम प्रेम और मुक्ति को देने वाले भगवान श्री कृष्ण को हृदय हृदय में पश्यतः देखने वालों को श्रील सुखदेव गोस्वामी परम भागवत महाराज अम्बरीश के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं गंगा जी के तट पर, और श्रोता हैं परम भागवत परीक्षित महाराज। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तान स्वराज्य परिभाविता कामा न समर्थयन्ति। महाराज अम्बरीश के राज्य में जो भी मनुष्य थे वे भगवान श्री कृष्ण के उत्तम श्लोक के जस के श्रवण और कीर्तन के आनंद में रहते थे, अतः उन्हें कोई भी भोग चाहे स्वर्ग का ब्रह्मलोक का यहाँ तक कि मुक्ति का जो आनंद है जिसे स्वराज्य कहते हैं ये सब भी हर्षित नहीं कर सके। कभी किसी के मन में इस प्रकार के भोगों को भोगने की लालसा का उदय ही नहीं हुआ, जो कि जो भोग सिद्धा नामक दुर्लभ है, सिद्धों को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, और देवताओं में भी जो सिद्ध हैं जिनका जीवन पूर्ण है उन सिद्धों को भी ये सब भोग दुर्लभ थे, परंतु महाराज अम्बरीश के राज्य की जनता को ये भोग हर्षित नहीं कर पाए, उनके मन में उल्लास उत्पन्न नहीं कर पाए, क्योंकि समस्त आनंद के स्रोत श्री कृष्ण को हृदय पश्यता वे देखते रहते थे, भगवान का चिंतन करते रहते थे। तो सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ा आनंद है भगवान श्री कृष्ण में। कौन आनंद है? जो आनंद मुक्ति को भी कुत्सित कर देता है, ऐसा आनंद ऐसा सुख, और इसको जो देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। मू का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ है कुत्सित, और द मतलब देने वाले, जो उस सुख को देते हैं जो सुख है मुक्ति के सुख को भी कुत्सित कर देता है। जो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में देखता है, श्री कृष्ण को देखता है, वह मुक्ति सुख को भी नहीं चाहता है। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, भगवान श्री कृष्ण का मुकुंद नाम कई कारणों से है। एक कारण तो ये है मुकुंद, कुंद का अर्थ एक फूल, एक पुष्प विशेष, जिनके मुख में कुंद कली के समान दंत पंक्ति है उनको मुकुंद कहते हैं, बहुत सुंदर है। तो ऐसे परम सुंदर भगवान का, भगवान पर जिनका अटेंशन हमेशा रहता है, उनको देखते रहते हैं, तो वे कभी भी स्वर्ग सुख है या इससे भी उत्कृष्ट मुक्ति सुख की याचना नहीं करते, लालसा नहीं करते, ये कभी उनके मन में उत्सुकता पैदा नहीं कर सके, न समर्थ है। जैसे किसी विशेष सुखमय बात को सुन करके किसी के मन में उसे प्राप्त करने की लालसा हो, वो उसको पा करके ही अपने को धन्य समझे, तो ये कहा जाएगा कि यह सुख है, उसका संवर्धन कर रहा है, उसको रिद्ध कर रहा है। लेकिन महाराज अम्बरीश की जनता को संसार का कोई भी सुख, स्वर्ग सुख या मुक्ति सुख कोई भी हर्षित नहीं कर सकता। ये सबसे बड़े सुख में थे कि श्री कृष्ण को हृदय में देखते रहते थे। तो जिनके राज्य के जनता की ये दशा थी, तो फिर महाराज अम्बरीश कितने महान भक्त थे और कितने बड़े सुख में मग्न रहते थे, इसको कौन कह सकता है। अतः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स इत्थम भक्ति भा योगे न तपोयुक्त न पार्थिव
स्वधर्मेण हरिं प्रीणन संगन सर्वान क्षणै रहौ। इस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान के भक्ति योग में लगे रहते थे। और कैसा भक्ति योग? तपो युक्ते न, जिस भक्ति योग में तपह भी युक्त था, तपस्या करते थे। तपस्या का अर्थ है उनकी इंद्रियां, उनका मन कभी भी भोगों के तरफ ललायित नहीं हुआ, इन इंद्रियों से भोगों को भोगे नहीं, इच्छा तो थी ही नहीं, प्राप्त होने पर भी भोगते नहीं थे, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। इसको तपो युक्ते न भक्ति योगे न कहा जाता, तपस्या से युक्त भक्ति योग। और इसके साथ ही साथ स्वधर्मेण, यह भक्ति योग का विशेषण भी हो सकता है, जो अपना धर्म है अथवा वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्रसन्न कर रहे थे, इसलिए स्वधर्म का आचरण कर रहे थे। उसे हरिं प्रीणन, भगवान प्रसन्न होते हैं, ये भगवान का आदेश है, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है और इसके अनुसार जो चलता है उस पर मैं प्रसन्न होता हूँ। भगवान चाहते हैं कि सभी लोग इस संसार में भक्ति करें और भक्ति के साथ जो सामाजिक या आध्यात्मिक कर्तव्य है उसको करें। आध्यात्मिक कर्तव्यों का विभाग जिस रीति से किया गया है उसको आश्रम धर्म कहते हैं, और सामाजिक व्यवस्था जो दी गई है, जो विभाजन किया गया है, उसको वर्ण धर्म कहते हैं, आश्रम धर्म और वर्ण धर्म। तो महाराज अम्बरीश एक क्षत्रिय थे और राजर्षि थे, अतः क्षत्रिय और राजा का जो कर्तव्य है उसे पूरा करते थे और पूरा निष्काम भाव से इंद्रियों को भोगों से रोक करके भगवान के भक्ति योग में रहते थे। जैसे पहले गिनाया गया, सवई मनः कृष्ण पदा रविंदय इत्यादि। महाराज अम्बरीश के वैराग्य का बहुत बार वर्णन सुखदेव गोस्वामी किए, इसको कर चुके वर्णन, लेकिन फिर कहते हैं, गृहे सुदारे सुसुते सुबंधुषु दीपोत्तम चंदन बाजपत्तिषु अक्षय रत्न भरणाम्बरादिषु अनंत कोशे स्वकरो दशन्मति। महाराज अम्बरीश अपने घर में, स्त्री में, पुत्रों में, बंधु बांधवों में और अपने राज्य के सेना में, हाथियों में, रथों में, घोड़ों में और पैदल सैनिकों में, इसके साथ ही साथ अक्षय रत्नों में, आभरणों में, कपड़े आदि में और अनंत कोष में, बहुत बड़े धन में, असत मतिम अकरोत, इन सब में असत मति किए थे, यही मान्यता थी। कभी उपादेय बुद्धि नहीं किए कि ये सब अच्छे हैं और मेरे भोगने योग्य हैं, मुझे इनसे सुख मिलेगा, ऐसी मति उनकी कभी नहीं हुई। बल्कि क्या मति हुई? असत मति अकरोत, ये नहीं के बराबर हैं, ये स्वप्नों तुच्छ हैं, ये मति किए थे। स्त्रियों में, पुत्रों में, बंधु बांधवों में और घरों में, एक से एक घर होंगे महाराज अम्बरीश के पास, सुंदर सुंदर घर जो रत्नों के बने हुए और ऋतु के अनुसार सर्दी गर्मी आदि देने वाले। ग्रीष्म ऋतु में शीत देने वाले, ठंडा देने वाले घर थे, अपने आप घर की ऐसी बनावट थी, यहाँ जैसा बनावटी एसी नहीं लगाना पड़ता था, घर की बनावट ही ऐसी थी कि गर्मी में ठंडे रहते थे और ठंडे में गर्म रहते थे। और इतना ही नहीं, उसमें ऐसे ऐसे पत्थर लगे थे
जो मन में संकल्प करने पर कोई भी चीज दे देते थे, फोन भी नहीं करना पड़ता था, केवल बैठे बैठे कोई संकल्प करे कि हमको खीर चाहिए तो घर ही ऐसा था कि उपस्थित कर देता था, हमको ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए। ऐसे चिंतामणि पत्थर के बने हुए घर थे और इसी तरह के वृक्ष थे उन भवनों में लगे हुए, इसलिए गृहेशु कहा दारेशु स्त्रियाँ, खासकर उनकी पत्नी ऐसी थी जो किसी भी देवी से भी अधिक सुंदरी थी, लेकिन फिर भी कभी उसमें उपाधेय या सुख बुद्धि महाराज ने नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज अम्बरीश की पत्नी तुल्यशीला थी, जिस प्रकार महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे और उन्हें संसार से वैराग्य था, भोगों में रुचि नहीं थी और सुंदर स्वभाव जैसे महाराज अम्बरीश का है उसी प्रकार की सुशीला थी, भोगों से विरक्त थी और भगवान नारायण का परम भक्त थी, बिल्कुल तुल्यशीला महाराज अम्बरीश के अनुकूल पत्नी मिली थी। पर ऐसी पत्नी में भी असतमति अकरोत, यही मानते थे कि ये सब किसी काम की चीज़ नहीं है, ये सब नहीं है, क्षणभंगुर है, असतमति तिनका जैसी बुद्धि करना, तृण जैसी बुद्धि। और सुतेशु पुत्रों में भी कोई ममता का तो प्रश्न ही नहीं, उन्होंने ये बुद्धि किया है कि ये सब है ही नहीं, ममता होना तो बहुत दूर की बात है, ये तो है ही नहीं, आती तुच्छ है तो ममता क्या हो। और बंधुसु भाई बंधुओं में स्वजनों में ममता नहीं थी, हाथियों में रथों में घोड़ों में पैदल सैनिकों में और अक्षय रत्न आदि से भरपूर अनंत कोष में असतमति अकरोत। तो भगवान हरि ने अपना सुदर्शन चक्र दे दिया था महाराज अम्बरीश को, इसलिए उन्हें अपने शत्रुओं से कोई भय नहीं था। सुदर्शन चक्र शत्रुओं को नष्ट कर देता है और भृत्याभिलक्षणम भक्तों की रक्षा करता है, जो भगवान के भृत्य हैं सेवक हैं उनका अभिलक्षण सब तरह से रक्षा करता है और भक्तों के जो द्रोही हैं उनका घातक है, प्रत्यनिक भयावह शत्रुओं को भय देने वाला। तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी महाराज अम्बरीश के गुणों का वर्णन किए। जिस सभा में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे उसमें अनेक राजर्षि आए हुए थे, जैसे परीक्षित महाराज और भी अरुण आदि राजर्षि आए थे, उसमें भागवत में लिखा हुआ ब्रह्मर्षि भी आए थे, देवर्षि आए थे, जो देवताओं में सज्जन है संत हैं वे आए थे, और राजाओं में जो सबसे श्रेष्ठ राजा थे वे आए थे, और ब्राह्मणों में जो सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सब आए थे, राजर्षि ब्रह्मर्षि देवर्षि सब आए थे। तो इन समस्त महान पुरुषों के सभा में महाराज अम्बरीश के गुण गाए जा रहे हैं। तो सुनिए कथा किस प्रकार दुर्वासा मुनि कृत्या उत्पन्न किए महाराज अम्बरीश का वध करने के लिए, लेकिन उल्टे सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को ही मारने चला। आरिराधेशु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महाराज अम्बरीश की पत्नी बिल्कुल उनके स्वभाव के अनुकूल थी, तुल्यशीला महाराज अम्बरीश के ही प्रतिछाया के समान थी। पति जिस काम को करते थे वही कार्य करती थी, जो चाहते थे वही करती थी, इसको तुल्यशीला कहते। तो अपनी पत्नी से परामर्श करके महाराज अम्बरीश एक बार एक वर्ष तक
विधिवत द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किए। वैष्णव लोग वास्तव में द्वादशी व्रत करते हैं। द्वादशी व्रत का मतलब यह हुआ कि सूर्य जब उगता है यदि उस समय एकादशी है तो उसी एकादशी को वैष्णव लोग करते हैं, दशमी विद्या एकादशी को नहीं करते हैं। तो उसमें प्रायः द्वादशी पड़ती है और द्वादशी में ही पारण भी करना होता है। तो महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत द्वादशी व्रत किया, उसको एकादशी ही समझिए, तो द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत कह, इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी द्वादशी व्रत ही कह। वैसे वे करते थे लेकिन नियम से एक साल वे ब्रज में रहकर मधुबन में इसको पूरा करना चाहते थे कि एक साल वृंदावन में मथुरा जी में रह करके मैं एकादशी करूँ, ये निश्चय किए। तो अपनी पत्नी के साथ ये निश्चय किए और सांवत्सरम द्वादशी व्रतम दधार वीर। महाराज अम्बरीश एक वीर थे, निश्चय किए तो किए, और सब भोगों की वासना छोड़ करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत करने के लिए मधुबन में आए एक वर्ष तक। जैसे कभी कभी भगवान कृष्ण के प्रेमी एक महीने के लिए ब्रज में वास करते हैं, परिक्रमा करते हैं कार्तिक में, तो इसी प्रकार महाराज अम्बरीश साल भर के लिए ब्रज में वास करके और द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने लगे। इस विषय में उनके पत्नी ने ऑब्जेक्शन नहीं किए, तुल्य शीला थी वो भी तैयार हुए, ठीक है हम दोनों एकादशी व्रत करेंगे। इसके साथ ही साथ और भी बहुत से नियमों का पालन करना था, तो वीर कहा गया, घर द्वार राज्य और पुत्र आदि का मोह छोड़ करके शक्ति त्याग करके और भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्वादशी व्रत करने लगे। व्रतांते कार्तिके मासे त्रिरात्रम समुपोषित, व्रतांते कार्तिके मासे व्रत के अंत में कार्तिक महीना आ गया, कार्तिक महीना, तो कार्तिक मास में व्रत के अंत में 3 दिन का उपवास किए। वास्तव में एकादशी इसी तरह से करने का विधान शास्त्रों में दिया गया है, केवल 1 दिन का उपवास नहीं होता है, 3 दिन का उपवास होता है। दशमी से ही उपवास चालू हो जाता है और एकादशी को चालू होता है और द्वादशी को भी, द्वादशी के अंत में पारण किया जाता है। ये नहीं कि सवेरे सूर्य उगते ही बस खाओ 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 चालू हो जाए द्वादशी, कई विधि करनी होती है। तो 3 दिन का उपवास होता है, महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ 3 दिन का उपवास किया। महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर संपदा अभिषिच्य अम्बरा कल्पय गंध माल्यार्हण आदि भी तद्गतांतर भावे न पूजया मास केशवम। द्वादशी के दिन वे स्नान किए, कहाँ पर व्रत कर रहे थे, स्नात कदाचित कालिंद्याम हरि मधुबने शयत। वे 3 दिन उपवास किए और अंत में द्वादशी के दिन स्नान करके, फिर रोज स्नान करते थे लेकिन द्वादशी को फिर व्रत के बाद स्नान करके कालिंदी में स्नान करके और मधुबने हरिम और चयत मधुबन में भगवान की पूजा की। चूँकि ये राजर्षि थे अतः बहुत ही सोना चांदी माणिक हीरा आदि से भगवान की पूजा की कई तरह से।
इसलिए कहा गया है कि सर्वोपस्कर संपदा। सबसे पहले इन्होंने भगवान का अभिषेक किया, अपने जो डीटी थे इनके पास भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी, इनका अभिषेक किए। अभिषेक द्वादशी के दिन अभिषेक कैसे किए, अभिषेक विधि ना, अभिषेक विधि से जो भी विधि है, और सर्वोपस्कर संपदा, सब प्रकार की सामग्रियाँ थी जो पूजा में लगती हैं, तो भगवान अनेक सामग्रियों से अभिषेक किए। और अभिषिच्य अम्बरा कल्पय गंधमाल्या हणादि, अभिषेक करके फिर सुंदर दिव्य वस्त्रों से और गंधों से, गंध से चंदन आदि से, और निर्माल्य माल्य फूल से, और अरहण आदि अराकल्प आभूषणों से भगवान को आभूषण अर्पित किए, बहुत अच्छा वस्त्र अर्पित किए, चंदन और अन्य भी पूजा की सामग्रियों से, फूल माला से भगवान की पूजा किए। तद गतांतर भावे न पूजया मास केशव, मन भगवान में लगा हुआ था केशव में, ये केशव ही मधुबन के आराध्य देव हैं। ये मधुबन से तात्पर्य है मथुरा जी, वो पूरा मधुबन ही है। तो भगवान केशव की आराधना किए, कैसे, तद गतांतर भावे न, इनका मन इनका भाव भगवान में ही लगा हुआ था, भगवान से भगवान की ही कामना करते थे। पूजा इसलिए नहीं किए कि और बहुत बहुत धन प्राप्त हो, अन्य कामना हो, ऐसे नहीं, श्री कृष्ण में ही मन लगा था और अनन्य भाव से भगवान केशव की पूजा किए। और ब्राह्मणांश्च महाभागान सिद्धार्थान अभिभक्तित, तो भगवान केशव की पूजा किए, इसके साथ ही साथ ब्राह्मणों की पूजा किए। ब्राह्मणांश्च महाभागान, जो महान भाग्यवान थे, तेजस्वी थे, ऐसे ब्राह्मणों की पूजा किए और उनको भी दान दिए। यद्यपि वे सब ब्राह्मण सिद्धार्थान सिद्ध मनोरथ, उनको कोई कामना नहीं थी ब्राह्मणों को, फिर भी महाराज अम्बरीश ने बहुत प्रकार के भेंट की सामग्रियाँ ब्राह्मणों को दिया। सिद्धार्थानपि ब्राह्मणान, उनके राज्य में ये ब्राह्मण सभी सिद्धार्थ थे, सिद्ध अर्थ, उनको जो कुछ चाहिए वो सब प्राप्त था। जिसका अर्थ सिद्ध हो उसको सिद्धार्थ कहते हैं, सिद्ध अर्थ था। जैसे महाराज अम्बरीश की भक्ति से सब भी प्रभावित थे, तो पहले ही कहा गया कि उनको कोई कामना नहीं थी। यहाँ पर पुनः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्राह्मणों को कोई कामना नहीं थी, सारी कामना पूर्ण थी, फिर भी महाराज अम्बरीश ने उनको बहुत चीज दिया, उनकी पूजा किया। और गवाम रूक्म विषाणी नाम रूप्यांघ्री नाम सुबाससाम पयशील वयोरूप वत्सो पस्कर संपदा, इसके साथ ही उन्होंने गौवे दान दिया, ब्राह्मणों को गौ दान दिया, उनको सामने नहीं दिया, उनके घर पर प्रेषित कर दिया, हंकवा दिए उनके घर पर। कैसी गौवे थी, रूक्म विषाणी नाम, उनके विषाण सिंह सोने से मढ़े थे, गायों का सिंह सोने से मढ़ा गया था और पैर चांदी से मढ़ा गया था, सभी गौओं के चांदी के जूता बने थे और सिंह में सोने मढ़े गए थे। सुबास सांग, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया गया था और सभी गौएं अत्यंत दुधारू थी, दूध देने वाली, और सबका सील स्वभाव बहुत अच्छा था, सुधी गौएं थी। और वयो, अब उनकी उम्र कम थी गौओं की, अर्थात वे अकरिया गाय थी, प्रथम बार बच्चा दी थी।
और सबके बछड़े थे, और इसके साथ ही साथ एक एक गाय को दुहने के लिए बर्तन और उनको बांधने के लिए रस्सी आदि ये सब कुछ दिए गए। दान देने में प्रथा है, गाय गोदान देने में ये सब चीज़ दिया जाता है। तो आजकल तो किसी किसी को गोदान करते हैं कि अब सालों भर उसके लिए भूसा भी दीजिए, या जब तक गाय जिएगी तब तक आप उनको देते रहिए, वो कुछ करने वाले नहीं। इस तरह आजकल गोदान किया भी जाए तो लेने वाले हैं ही नहीं वास्तव में, उनके वे सोचते हैं कि हम पर भार हो रही है गाय, फ्री देने पर भी लोग नहीं ले रहे हैं। देखा जाता है समाज में गायों के सेवा की कोई लालसा जनता में नहीं रह गई है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। यहाँ का आर्थिक स्तर, यहाँ का इकोनॉमी आधारित है पशुओं पर वास्तव में, लेकिन इसको लोग भूल गए और कई प्रकार से पशुओं का वध कर रहे हैं, गौओं का वध कर रहे हैं। कई बार चारों तरफ से खबर मिलता है कि यहाँ इतनी गौएं पकड़ी गई, इनको कसाई ट्रक में ले जा रहे थे वध करने के लिए, यहाँ इतनी गौएं पकड़ी गई इस हालत में ऐसे वैसे। ये देश महाराज अम्बरीश का है, महाराज परीक्षित का देश, राजर्षियों का, और इस देश में ये म्लेच्छ और यवन आ करके और इस तरह से यहाँ की गोधन की हत्या की। इस तरह से देश बिल्कुल गरीबी की सीमा पर है वास्तव में। ये झूठा निकाला जाता है कि विकासशील देश है, बहुत विकास कर रहा है, कुछ भी नहीं है। तो गौओं का बहुत तेज गति से ह्रास हुआ है और होता जा रहा है। पर आप इस श्रीमद् भागवतम में देखिए, महाराज अम्बरीश ब्राह्मणों को गोदान दिए कितना, 6 अरब। संस्कृत में 10 करोड़ का 1 अरब होता है, तो 60 करोड़ गौए दान दिए, यहाँ लिखा गया, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, 60 करोड़ गौओं का दान किया उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस तरह से इतनी गौएं कहाँ रखी जाती थी, राजा के द्वारा गौओं के पालन और रक्षण की व्यवस्था थी, पूरा राज्य शक्ति से गौओं की रक्षा की जाती थी, सब जगह वन भरे पड़े थे और गौएं रहती थी। राजा डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व था, गौओं की रक्षा करना, गौओं के समृद्धि पर ही जनता की समृद्धि निर्भर करती है। अभी हम लोग देखते हैं कभी किसी बच्चे की माँ की मृत्यु हो जाती है जन्म दे करके ही, तो गाय के दूध से उसका पालन हो जाता है। गौ माता हमारे यहाँ कहते भी हैं गौ माता, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्या कहा जाए कि एक तरफ गौ माता कहने वाला दल है और वहीं पर गौ खाने वाले लोग समान अधिकार के साथ रहते हैं। एक बहुत भारी आश्चर्य की बात है, एक ही साथ गौ को माता कहने वाले और दूसरे तरफ गौ भक्षक। तुलसीदास जी रामचरितमानस में ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता संत हंस गुण गाही पर परिहरि बार विकार। एक कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं कि काशी मग सुरसरी क्रमनाशा और मरु मारव महदेश देव गवास। ब्रह्मा जी का क्या कहा जाए, यहीं पर सृष्टि किए हैं, काशी की भी वही सृष्टि किए, काशी की वही सृष्टि थी और मगध की भी वही सृष्टि थी। काशी मग सुरसरी क्रमनाशा, गंगा जी की भी सृष्टि किए और कर्मनाशा नदी भी वही बनाए, बहुत अशुद्ध नदी मानी जाती।
काशी भी ब्रह्मा जी बनाए और मगध भी वही बनाए और सुरसरी भी बनाए गंगा जी और कर्मनाशा भी बनाए और मरुभूमि भी वही बनाए और मालवा प्रदेश जो इतना उपजाऊ है वो भी वही बनाए और महिदेव इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की भी वही सृष्टि किए और गवासा गाय खाने वालों की भी वही सृष्टि की, ठीक ब्राह्मणों से विपरीत। महिदेव गवासा गौ अस अस मैंने भोजन, गाय खाने वालों की भी वही सृष्टि की। क्या कहा जाए, ब्रह्मा जी से भेंट होते तो उनको कहा जाता है कि अरे ये अलग अलग रखिए, क्यों मिक्स किए। गाय खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला एक ही जगह पर रहा है, यह बहुत दुख की बात है। तो महाराज अम्बरीश ने इतनी गौओं का दान किया, 6 अरब 60 करोड़ गौओं का, इतनी गौओं का संवर्धन हो रहा था, रक्षा हो रही थी सब तरह से, रक्षा ही नहीं इतना बड़ा सम्मान था, जिनके सिंह में सोने पहनाए गए थे, सोने से मढ़े गए सिंह थे और चांदी से मढ़े हुए पैर थे, जूते थे, सब परम सुख में थी, सबको वस्त्र ओढ़ाए गए थे। आज भी कुछ ऐसे गोसेवक हैं जो गाय माता की इस तरह पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं। प्राहिणोत साधु विप्रभ्यो, इन गौओं को प्राहिणो तो भेज दिए ब्राह्मणों के घर, विप्रेभ्यो गृहेशु निर्बुदानिशक, इन 6 अरब गौओं को वे भेज दिए ब्राह्मणों के यहाँ। तो अब देखिए, जब गौएं दान दे दी गई तो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, अथवा पहले भोजन करा करके दान दिया गया हो, जो भी है समझ लेना चाहिए। भोजयित्वा द्विजान अग्रे स्वाद्वन्नम गुणवत्तमम, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, मतलब अग्रे अग्रे का अर्थ किसी को भी खिलाने के पहले ब्राह्मणों को खिलाया। द्वादशी के दिन ये व्रत की पूर्ति की बात हो रही है, मधुबन में महाराज अम्बरीश सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाए, कैसा अन्न खिलाए, स्वादु अन्नम गुणवत्तमम, बहुत स्वादिष्ट अन्न खिलाए। अन्न से तात्पर्य है भोजन, परंतु अन्न से यह भी तात्पर्य है कि शाकाहार खिलाए। उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता था कि नॉन वेज खिलाया जाए। आजकल लोगों ने गढ़ लिया है नॉन वेज, नॉन वेज इसका मतलब कि वेज ही आहार है मनुष्यों का, और नॉन वेज ठीक जस्ट उल्टा है। और आजकल के लोग जहाँ तहाँ मांगते रहते हैं, आपको क्या चाहिए, हमको नॉन वेज चाहिए, जो बोलने में शर्म नहीं आती, बैठे हैं वायुयान में फर्स्ट क्लास के डिब्बे में ट्रेन में और खा रहे हैं गिद्ध का भोजन, इस तरह से शर्म नहीं लगती है मांगने में, हमको नॉन वेज चाहिए। तो वहीं पर देखते हैं ये लोग और लोग शुद्ध भोजन कर रहे हैं, भेज खा रहे हैं, और वहीं पर बड़े शौक से नॉन वेज चलाते। इन सब लोगों को जमराज जमलोक में मरम्मत करेंगे खूब अच्छी तरह से, ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। इस समय तो इनको खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो जमराज के दूतों की मार पड़ेगी तो उस समय ये क्षमा भी नहीं मांग सकते, अगर क्षमा मांगे तो और पीटते हैं। क्षमा इस पर हो जाएगी, पहले जो कुछ खाए हैं तो अब छोड़ दें, और अब भगवान का प्रसाद खाएं तो पहले की गलती सब माफ हो जाएगी इस जीवन में, इसके बाद माफ़ी का कोई प्रश्न नहीं है। जमराज के दूतों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है मारने के लिए और गाली देने के लिए, स्पेशल वो सरकारी गाली बनाई गई है जमदूतों के लिए। जैसे यहाँ भी पुलिस को देखते हैं वो लोग मारने में गाली देने में तेज होते हैं, है ना, तो जमराज के दूत तो इन पुलिसों को भी मारने वाले हैं, वो तो ऐसी गाली देते हैं कि होश उड़ जाएगा। फिर
यहाँ पर जो भी गलती करता है इसका निर्णय तो जमराज जी के यहाँ होता है, वो सुप्रीम जज हैं, और इधर के जज भी मुसुक चढ़ा करके जमराज के पास पेश किए जाते हैं कि तुमने क्यों गलत फैसला दिया। आपने पंचम स्कंद में देखा होगा श्रील प्रभुपाद जी एक फोटो बनवाए हैं चित्र, जिसमें न्यायाधीश को मुसुक चढ़ा करके और जमराज के सामने खड़ा किया गया है, और वे तो कोई पक्षपात करते नहीं हैं, भगवान के नियम के अनुसार दंड देते हैं। तो जमराज जी सबके शासक हैं, कम से कम व्यक्ति को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, यह भगवान के द्वारा या भगवान के प्रतिनिधि धर्मराज जी के द्वारा रिकमेंडेड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उसका फल तो भोगना पड़ेगा, शरीर तो मरेगा ही, ये तो जाना ही है इसको, ये जाएगा अग्नि के हवाले या कब्र में जाएगा, और फिर आत्मा पकड़ करके जमराज जी के पास द डे ऑफ जजमेंट जिसको कहते हैं, एक दिन जजमेंट होता है। कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं नहीं इसके बाद कोई जजमेंट नहीं है, खाओ पियो आनंद करो, कौन जजमेंट देने वाला, हम तो यहीं ख़त्म हो जाएंगे, कौन जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि शरीर मरा सब कुछ ख़त्म हुआ, अब कोई आना जाना नहीं है, और कहते हैं जजमेंट के दिन फैसला होगा, कौन दिन फैसला, तत्काल जजमेंट हो जाता है, वहाँ 10 वर्ष 20 वर्ष देर नहीं होती है, तत्काल जमराज जी जजमेंट दे देते हैं। इसको कुंभी पाक नरक में पटको एक कल्प तक, इसको रौरव नरक में, इसको पुयोध में, लाला भक्ष में, अनेक प्रकार के नरक, गौर कृष्णदास सूरत में नरकों का वर्णन करने वाले हैं और अजामिल प्रसंग कहेंगे। पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हम सनातन धर्मियों को, हिंदुओं को कम से कम अपने इस धर्म का पालन करना चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए, जितना कर सके, जितनी शक्ति हो उतना अवश्य करना चाहिए। ये गौएं मनुष्य जाति के लिए सबसे श्रेष्ठ वरदान के रूप में रची गई है, अगर ये सुखी रहती हैं तो सब सुख रहेगा, अगर गौएं दुखी हैं तो फिर सुख की आशा नहीं की जा सकती। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे गुरु महाराज से पूछा भक्तों ने कि श्रील प्रभुपाद क्या आगे विश्व युद्ध होगा, तो प्रभुपाद जी ने कहा है जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरता रहेगा तब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, निश्चित महासंहार होगा। अगर मनुष्य चाहता है कि इस संसार में मनुष्य सुख से रहें तो उसे गोबध नहीं करना चाहिए, गौओं की रक्षा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो महाराज अम्बरीश के राज्य में इस तरह से समृद्ध गोवंश था कि एक दिन में राजा 60 करोड़ गौओं का दान किए, इसका मतलब उनके संरक्षण में गौएं थी, उनका सब अधिकार था और वहाँ से वो दान दे रहे थे, और बहुत सुंदर गौएं, नवीन गौएं। तो ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, मैं इस बात पर बोल रहा था, ब्राह्मणों को भोजन कराया गया स्वादु अन्नम और गुणवत्तमम, स्वादिष्ट और गुणवत्तमम, जिनमें बहुत से गुण हैं, भोजन के गुण क्या हैं, षड रस, 6 प्रकार का रस, जैसे उसमें मधुर भी हो, अम्ल भी हो, कषाय हो, तिक्त भी हो, और कई प्रकार के गुणों से युक्त अन्न खिलाए। लब्ध कामय अनुज्ञात पारणायोप चक्र में, जब ब्राह्मण सब खा लिए, लब्ध काम हो गए और उन्हें दक्षिणा भी दी गई, तब महाराज अम्बरीश ने उनसे आज्ञा लिया कि यदि आपकी आज्ञा हो, ब्राह्मणों से कहे आपकी आज्ञा हो तो हम अब द्वादशी का पारण कर लें। व्रत पूरा करने के लिए, पारण करने के लिए तैयार हुए। पारण करने के लिए भगवान का प्रसाद सामने रखा गया,
सब सेवक आदि ला करके रख पारण करना लब्ध कामेर अनुज्ञात पारणाय उपचक्र में तस्य तरह अतिथि साक्षात दुर्वासा भगवान। तो पारण करने के लिए प्रसाद सामने था और यहाँ तक कि शरीर अविद्या जाल भी बोल चुके थे महाराज अम्बरीश, उसी समय उनके अतिथि साक्षात भगवान दुर्वासा हुए। यहाँ सुखदेव को समय भगवान दुर्वासा कह रहे हैं, भगवान का अर्थ है वर और साप देने में समर्थ, तो परम शक्तिशाली दुर्वासा जी उनके अतिथि हुए। तो भोजन के आसन पर बैठे हुए महाराज अम्बरीश उनको देख करके तुरंत खड़े हो गए कि परम पूज्य ब्राह्मण हैं और ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया है। दुर्वासा मुनि तरही अतिथि अभवत, साक्षात अतिथि हुए, इसी को वास्तव में अतिथि कहते हैं। जिसके आने की कोई तिथि पहले से मालूम नहीं है वही है अतिथि, और जिसके आने के लिए पंपलेट छाप दिया गया है और आया तो अभ्यागत है, वह अतिथि नहीं है। तो निश्चित है तो सतिथि है, अतिथि नहीं है। अतिथि के स्वागत का विशेष महत्व है। महाराज अम्बरीश खड़े हो गए, तमा नर्चा तिथिम भूप प्रत्युत्थाना सुना रहा है। सबसे पहले वे खड़े हो गए और खड़े होकर के उनके पास गए और उन्हें आसन दिए, आसन पर बैठाए और आसन देने के बाद और हड़े पुष्प माला आदि से उनकी पूजा किए, चरण कमल धोए, सब आदर किए और इसके बाद उन्होंने पाद मूलम उपागतम दुर्वासा मुनि के बिल्कुल चरण में बैठ करके चरण के निकट और प्रार्थना किए। अब व्यवहार आया आहार के लिए कि हे भगवान अभी प्रसाद का समय हो गया है, आप कृपया प्रसाद ग्रहण कर लें, भोजन कर लें। देखिए पारण के लिए बैठ चुके थे लेकिन अतिथि सत्कार का इतना महत्व है, वो भी ब्राह्मण वो भी ब्रह्मचारी, तो खड़े होकर स्वागत किए, उनसे याचना किया प्रसाद ले लीजिए। प्रतिनंद सतद याचन करतुम आवश्यक गत, दुर्वासा जी ने स्वीकार किया, ठीक है मैं आपका प्रसाद लूँगा, भोजन करूँगा आपके यहाँ, लेकिन कुछ मेरे आवश्यक कर्म रह गए हैं। आवश्यक कर्म का अर्थ होता है जो अवश्य करने जो, जैसे दोपहर का स्नान और संध्या वंदन आदि, कुछ कर्म रह गए थे। उन्होंने कहा कि हमारा कर्म कुछ बाकी है, मैं जा रहा हूँ कालिंदी में स्नान करके और संध्या वंदन आदि जो मेरा आवश्यक कर्म है करके और आऊँगा। तो महाराज अम्बरीश क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक जैसी आज्ञा, तो वे चले गए स्नान करने। निम मज्ज बृहध्यायन कालिंदी सलिले सुबह, दुर्वासा जी गए और कालिंदी के पवित्र जल में, स्वच्छ जल में और दिव्य जल में स्नान करने लगे। निम मज्ज निमज्जन किया, स्नान किया, स्नान करने में भी बहुत देर हो रही थी और स्नान करने के बाद अब पूजा चालू हुई उनकी। उनको थोड़ा भी ध्यान नहीं आया कि महाराज अम्बरीश द्वादशी व्रत किए हैं और पारण करेंगे, इसका कोई ध्यान नहीं रहा। मनमाना नहाना और नहा करके रोज आधा घंटा गायत्री करते होंगे तो आज एक दो घंटा लगा रहे। वास्तविक बात आप नहीं जानते हैं, ये शास्त्र में लिखा गया है कि अम्बरीश को तंग करने के लिए एक व्यक्ति इनको भेजा था। एक पुराण में कथा है
अम्बरीश महाराज तो बिल्कुल वैसे ही थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप करके आइए। तो उधर देर करने लगे दुर्वासा जी, कालिंदी का निर्मल जल मिला था उसी में लगे उगाहन करने। तो कार्तिक का महीना था, इतना देर से नहाने की क्या जरूरत, कोई गर्मी का मौसम रहता तो पूरा जल विहार करते कोई बात नहीं। यहाँ पर वही कार्तिकांत कार्तिक अंत व्रतांते कार्तिके मास स्नान करने लगे और जप करने लगे जो करना उचित। मुहूर्तार्धा वशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिंतया मास धर्मज्ञो द्विजस्त धर्म संकट। आधा मुहूर्त बाकी रह गया था द्वादशी का पारण करने, उसके बाद द्वादशी बीत गई होती, बीत जाने वाली थी, आधा मुहूर्त बहुत अल्प समय। महाराज अम्बरीश एक साल तक व्रत किए थे और ठीक समय पर पारण किए थे, सारा व्रत ठीक हो गया था, एक ही बार बाकी थी द्वादशी साल पूरा होना, और पारण का समय अब बीतने वाला था, बीत जाता तुरंत। तो चिंतया मास बड़े चिंता में पड़े, धर्मज्ञ द्विजस्त धर्म संकट, उस धर्म संकट में ये ब्राह्मणों के साथ अपने पुरोहित आदि के साथ मिल करके चिंतन करने लगे। वो पूछे कि हे गुरुजनों हमें इस समय क्या करना चाहिए, इसको धर्म संकट कहते हैं। क्या धर्म संकट था, ब्राह्मणातिक्रमो दोषो द्वादश्याम जद पारण। सोचने लगे ब्राह्मण को बिना भोजन दिए खा लेना यह एक दोष है, और यह भी दोष है कि द्वादशी में अपारण पारण न कर पाना। यदि ये कुछ खाते हैं तो इसका मतलब ब्राह्मण का अपराध हो रहा है दुर्वासा जी का, और नहीं खाते हैं तो वर्ष भर का किया हुआ द्वादशी वर्ष निष्फल जाता है, पूरा नहीं हो पाता है। तो ब्राह्मणों से परामर्श करने लगे, कुछ ब्राह्मणों ने इनको राय दिया, नहीं आप खाइए, अरे साधु इतना मनमाना देरी करेंगे, आप व्रत पूरा कीजिए। कुछ ने कह दिया, लेकिन अम्बरीश महाराज धर्मात्मा थे, यहाँ कहा गया धर्मज्ञ, धर्म जानते थे। तो क्या किया जाए क्या किया, तो इन्होंने स्वयं ही कहा ब्राह्मणों से, उन्होंने ये कहा कि प्राहुरभक्षणम विप्रा यशितम नाशितम चत्तर। हे ब्राह्मणों, श्रुति कहती है, वेद कहता है कि जल पी लेना भोजन भी है और भोजन नहीं भी है, जल पी लेना भोजन नहीं भी है, इसको नासितम मानते, नाश्ता मानते, नासितम और असितम यह शब्द है। असितम का अर्थ है भोजन खा लेना, नासितम न असितम नहीं भोजन मतलब नाश्ता। ये जो नाश्ता शब्द है वास्तव में यही संस्कृत शब्द है, नाश्ता करो मतलब भोजन मत करो फिर भी कुछ खा लो, ये मतलब हुआ। तो जल पी लेना भोजन भी है, असितम भी है और नासितम भी है, न असितम है। इन्होंने स्वयं वेद के किसी श्लोक को कोट करके कहा, अम्बरीश महाराज इतने बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ वेद कहता है कि जल पीना अपभक्षणम, अपभक्षणम जल भक्षण, जल खाना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है। महाराज अम्बरीश बंगाली जैसा बोल रहे हैं, अभक्षण जल खाना, बंगाल के लोग जल को खाना कहते हैं, पीना शायद नहीं बोलते हैं, जल खा बो जल खा। तो यहाँ भी अभक्षणम कहा गया है, जल खाना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है। तो व्रत पूरा करने के लिए ये भोजन मान लिया जाएगा और ब्राह्मण के सत्कार में माना जाएगा कि हमने भोजन नहीं किया,
जल पीना भोजन भी है और नहीं भी भोजन है, तो पारण के लिए भोजन और ब्राह्मण के लिए अभोजन ऐसा मान लिया गया। यह परामर्श किए तो सभी ब्राह्मणों ने, वशिष्ठ आदि गुरुजनों ने, सबने कह दिया ठीक है आप भगवान का शरणामृत पी लीजिए। अम्बरीश महाराज व्रत की पूर्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हुए और भगवान का चरणामृत पी लिए और ऋषि के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इत्यपह प्रास्य राजर्षि चिंतयन मनसा चितम प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजा गमन में वत्स। हे कुरुश्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित, इस तरह से अपने गुरु महाराज से और ब्राह्मणों से परामर्श करके अम्बरीश महाराज केवलेन अम्भसा अथ व्रत पारणम करी से सोच करके केवल जल पिए चरणामृत और उसी से उन्होंने मान लिया कि मैं पारण कर लिया। उन्होंने पहले सोचा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं पानी पीऊँगा, ये भोजन भी नहीं भोजन है, यह कह करके और मन में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए जल पी लिए। जानते थे इस बात को, जानते थे कि दुर्वासा जी हो सकता है कुपित हों, फिर भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए पी लिए। व्रत पूर्ति के लिए भगवान हम पर प्रसन्न हो इसके लिए पी लिए। अचितम मनसा चिंतन, लेकिन प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजा गमनम ये वचन, परंतु वे खड़ा होकर के और द्विज के आगमन की ही प्रतीक्षा करते थे, उपेक्षा नहीं किए। ठीक है, पारण कर लिए, चरणामृत पी लिए, लेकिन ब्राह्मण कब आएंगे, उनको खिलाना है, दुर्वासा भी, इसी प्रतीक्षा में थे। ये नहीं कि वो सोचे कि अब तो उधर देर करेंगे, तब तक मैं अपना ऑफिशियल काम कर लूँ, ऐसा नहीं सोचे। एक तो वो भोजन नहीं किए अम्बरीश महाराज, और दूसरे वे द्विज के आगमन की ही प्रतीक्षा करते रहे, खड़े होकर के और हाथ जोड़ करके, वो उसी तरफ देख रहे थे, कालिंदी के तरफ, जमुना जी के तरफ, कि कब आएंगे और कब मैं उनको भोजन कराऊंगा। दुर्वासा जमुना कुलात कृतावश्यक आगत, तो जो आवश्यक कार्य था, कृत था, उसको करके और श्री दुर्वासा जी जमुना तट से महाराज अम्बरीश के पास आए। अब देखिए ऋषि की हालत, राज्ञाभिनंदितस्त से बुद्धे चेष्टितम दिया, तो राजा ने अभिनंदन किया, महाराज अम्बरीश ने अभिनंदन किया उनके आने पर, बहुत अच्छा हुआ, आइए, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, आप भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी का देखिए, दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश को देखने लगे ध्यान से, तो बहुत प्रसन्न है, तो उनके चेष्टितम, उनके कर्म को धिया अपनी बुद्धि से समझ गया। क्या समझ गया? कि इसने खा लिया, ये भोजन कर लिया। क्या भोजन कर लिया? जल पी लिया, तो उसको वो मानने लगे कि भोजन कर लिया। इतनी भावना होते ही मन न्यूना प्रचलित गात्र, इतना क्रोध हुआ दुर्वासा जी को, इतना क्रोध हुआ कि उनके सारे शरीर के सारे अंग कांपने लगे क्रोध से। प्रचलित गात्र, पैर से इधर उधर चलने लगे, हाथ भांजने लगे, आंखें उनकी बिल्कुल लाल हो गई, भ्रिकुटी उलट गई, ऊपर हो गई, प्रचलित भ्रिकुटी कुटिलानना, भौहें टेढ़ी हो गई और टेढ़ी भौहों से उनका मुंह बहुत विकराल लगने लगा। एक तो भूखे थे, बुभुक्षितश्च सुतरां, बहुत भूखे थे और उस पर से क्रोध आ गया कि हमको खिलाए बिना ये कैसे खा लिया। तो भ्रिकुटी कुटिल होने से उनका चेहरा तो बिल्कुल विरूप दिखने लगा, विकट दिखने लगा और हाथ पैर पीटने लगे,
अपना सिर पीटने लगे इधर उधर क्रोध से। और महाराज अम्बरीश कृतांजलि हाथ जोड़कर खड़े थे, वो प्रतीक्षा कर रहे थे शुरू से, हाथ जोड़कर खड़े थे। और ऐसे महान भगवत भक्त अम्बरीश महाराज से दुर्वासा जी इस प्रकार बोलने लगे, अहो अस्य नृशंसस्य श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रम विष्णु अभक्तस्य समानिन। अहो देखो, जब आदमी क्रोध में होता है तो कोई देखे या ना देखे वो ऐसे कहता ही है, देखो इसके धर्म व्यतिक्रम को, इसके अधार्मिक व्यवहार को देख, यह कितना क्रूर है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन के लिए निमंत्रण दिया और यह पेटू दुष्ट पहले खा लिया, इस तरह से बोलने लगा, इसका अन्याय देखो कितना नृशंस है। अवश्य यह इसे अवश्य इसको अपने धन का बहुत बड़ा अभिमान हो गया है। अरे वो धन को तो असत, ये सत है ही नहीं ऐसा मानते थे, लेकिन दुर्वासा जी कहते हैं ये श्रिया उन्मत्त, ये धन से उन्मत्त हो गया, धन से उन्मत्त हो गया। विष्णु अभक्तस्य, और भक्ति तो इसे छू भी नहीं गई है, भक्ति का नामो निशान इसमें नहीं है, ये विष्णु का भक्त नहीं है। इस मानिना यह अपने को बड़ा काबिल मान रहा है, समर्थ मान रहा है, बहुत क्रोध में हो गया। अब हम लोग क्या उनके क्रोध का ड्रामा करें, वो वैसा कोई कर नहीं सकता वास्तव में। बहुत क्रोध में ओठ भड़क रहे थे, आंखें नाच रही थी, हाथ पैर पटक रहे थे, इतना बड़ा अन्याय किया। और क्या अन्याय किया, क्या अन्याय किया, मान लीजिए कोई पूछे तो कहते हैं, यो माम अतिथिम आयातम आतिथ्यन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। कहते हैं देखो ये ऐसा है शैतान, मैं ब्राह्मण हूँ, तपस्वी हूँ, अतिथि हूँ, स्वयं आया, निमंत्रण से नहीं स्वयं मैं आया। अच्छा, आने पर आतिथ्य न निमंत्र, इसने मुझे निमंत्रण दिया कि आप मेरे पास भोजन कीजिए, मैं इसके आतिथ्य को स्वीकार किया और ये अधम मुझको खिलाए बिना खा लिया, अदत्वा भुक्तवान मुझे न दे करके, और यह खा लिया। इस पाप का, इस अपराध का फल मैं तुमको अभी दे रहा हूँ, सद्यस्ते दर्शये फलम, तुमको इसका फल मैं दे रहा हूँ। क्या फल देना चाहते थे, अम्बरीश को जान से मार कर ख़त्म करना चाहते। देखिए क्या वास्तव में अम्बरीश महाराज का कोई अपराध था, नहीं, कुछ भी अपराध नहीं था। व्रत पूर्ति के लिए वो जल पी लिए, भगवान का चरणोदक पी लिए, चरणामृत पी लिए, यह वो अपराध था। लेकिन अब ये ऋषि हैं, अब सोचने लगे अपने स्तर से, इसने अपराध किया है, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, मैं इसका फल देता हूँ। एवं ब्रुवाणो, इस प्रकार से बोलते हुए, एवं ब्रुवाणो उत्कृत जटम रोष विदीपिता, दुर्वासा जी क्रोध से जल रहे थे, विदीपिता। जिस व्यक्ति में क्रोध आता है तो दूसरों को तो दुख देता ही है, पहले वह स्वयं जलने लगता है, क्रोध आग के समान है। तो रोष विदीपिता, दुर्वासा जी जलने लगे क्रोध के मारे, और हाथ पैर पटक रहे थे, आंखें लाल किए थे, भ्रुकुटी उल्टी थी। इसी समय में तुरंत अपने एक जटा को उखाड़े क्रोध से। जो क्रोध है तो ये थोड़े ध्यान आ रहा है कि जटा उखाड़ने से दर्द होगा चाहे कुछ होगा, अब क्रोध में जटा उखाड़े और कोई अभिचारण मंत्र बोले, और बोल करके उसे पृथ्वी पर पटके पटके, तो उसे भयावह कृत्या उत्पन्न हुई, एक महान विशाल शक्ति वाली राक्षसी उत्पन्न हुई। वो कैसी थी, काला नलोपमान, प्रलय कालीन अग्नि के समान भयावह थी,
प्रलय काल में पूरे ब्रह्मांड में आग लगती है, पूरे ब्रह्मांड में, और बहुत भयावह अग्नि होती है। तो वो जितनी भयावह आग होती है उस तरह से वो भयावह लग रही थी, और उसका शरीर जल रहा था, चारों तरफ आँच निकल रही थी, आँच निकल रही थी, लकलक लकलक सारा शरीर में, और कानाल कालानल के समान लपटे निकल रहे थे उससे। और असी हस्तान, वो एक असी तलवार ली थी अपने हाथ में, और वो तुरंत ही अम्बरीश महाराज को मारने के लिए दौड़ गई। बहुत भयावह थी, उसके वेग को रोक पाना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी असंभव बात थी। एवं गुरुवाण उत्कृत जटम रोष विधि पिता तया स निर्ममे तस्मय कृत्यम काला नलोपमान तामा पतंतिम ज्वलतिम असी हस्ताम पदा भुवन देपयंतिम समुद्विच्छन्न चचाल पदा निर्भर। तो इस तरह से वो जल रही थी, बहुत तेज था उसमें, हाथ में खड़ग लेकर तलवार लेकर के वो जब चली अम्बरीश महाराज को मारने के लिए, तो पृथ्वी धमक कांपने लगी, उसके चलने से पृथ्वी डगमग करने लगी, पृथ्वी में धमक आ गई बेपयंती। ऐसी कृत्य को देख करके भी सम उद्विक्ष न चचाल पदा निपर, महाराज अम्बरीश एक पैर भी पीछे नहीं भागे, वो आई मारने के लिए डायरेक्ट उस तलवार से, लेकिन उसको देख करके महाराज अम्बरीश डरे नहीं, इसलिए एक पैर भी नहीं हटे। वो आ गए बिल्कुल निकट और गर्दन पर अब तलवार चलाने वाली थी, फिर भी महाराज हाय हाय या हाथ उठाना या भागना नहीं किए। वो तो जैसे छोटा सा बच्चा अपने माँ के आश्रय में रहता है, उस तरह से भगवान कृष्ण के आश्रय में थे, मारने के लिए आई। तब तक उसी समय क्या हुआ, जब ही वो महाराज अम्बरीश के पास अपने तलवार को लेकर के आए, तो आप जानते हैं यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, प्राग दिष्टम भृत्य रक्षाया पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यम तम चक्रे चक्रम क्रुधा ही मो पावका। जब ही महाराज को मारने आई, तेव ही सुदर्शन चक्र जो भगवान ने अपने भृत्य के लिए अम्बरीश महाराज के लिए वहाँ रखा था, वह चक्र आया और अपनी ज्वाला में उस कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। उस तरह से जैसे किसी फुफकारते हुए सांप को दवाग्नि जला दे, दवाग्नि का अर्थ जंगल में लगी हुई घोर अग्नि, लगा हुआ घोर अग्नि, जैसे सांप को जला दे, सांप चाहे कितना भी फुफकारे प्रचंड अग्नि में पड़ जाने पर वो जल कर राख हो जाएगा। तो इस तरह से जब ही अम्बरीश महाराज को मारने आई, उसी समय सुदर्शन चक्र उस कृत्या को जला दिया। ददाह कृत्यम तम चक्रम क्रुद्धा ही मो पावका, से क्रोधी सांप को जो फुफकार छोड़ रहा हो उसको जैसे प्रचंड अग्नि जला देता है, दवानल जला देता है, इस तरह से जला दिया। ये तो काम खत्म हुआ उनका, दुर्वासा का। अब इनकी बारी आई, सुदर्शन चक्र इन पर चलेगा, कृत्या तो उत्पन्न, कृत्या तो खत्म हुई। देखिए भगवान की रक्षा, अपने भक्त की किस तरह रक्षा करते हैं। ये प्रत्येक भक्त को सीखना चाहिए, और इस तरह से श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, ये सब इतिहास साक्षी है बता रहा है। तद अभी द्रवद उद्वीक्ष्य स्वप्रयासम च निष्फलम दुर्वासा दुद्रवे भीतो दिक्षु प्राण परिप्सया। दुर्वासा देख रहे थे क्रोध, देखा कि कृत्या को इसने नष्ट कर दिया चक्र ने, और चक्र बड़े वेग से अनंत सूर्य की तरह उष्मा उगलते हुए, खरखर खरखर आँच उगलते हुए अब दुर्वासा की तरफ झपटा चक्र अपने आप। वो तो भगवान के समान चिन्मय है, तो चक्र को उन्होंने देखा, दुर्वासा ने देखा अभी द्रवत मेरे तरफ चक्र आ रहा है, और उन्होंने भी देखा स्वप्रयासम च निष्फलम, इनका महाराज को मारने का जो प्रयास था वो विफल हो गया, निष्फल हो गया, कृत्या नष्ट हो गई। तब दुर्वासा दुद्रवे भी तो दुर्वासा को बहुत भारी भय हो गया, और वो चले भाग, सुदर्शन चक्र से बचने के लिए भागे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनका पीछा किया।
वो कितना भाग सकते थे, प्राण परिप्सया, क्यों भागे, प्राण बचाने के लिए, क्यों प्राण बच जाए, नहीं नहीं और कृत्य उत्पन्न कीजिए और जरा करके देखिए। इस तरह से कभी कभी देखा जाता है बड़े बड़े लोगों की बुद्धि भी समय पर नष्ट हो जाती है। इतना बड़ा योगी, इतना बड़ा ऋषि, और इतनी बात समझ में नहीं आई कि बेचारे पानी पिए हैं, एक भोजन क्या किया, और वो भी द्वादशी का व्रत पूरा करने के लिए, और पानी पी लेने के कारण बस जान से मरने का अपराध हो गया है। ओ हद हो गया है यहाँ पर। अरे पूरा भोजन भी किए होते तब भी कोई अपराध नहीं था, तो पानी पी लिए क्या अपराध। दुर्वासा इस तरह से विवेक खो बैठे थे और भक्त को मारना चाहते थे, तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे चला। यद्यपि सुदर्शन चक्र इनका वध नहीं करता, लेकिन अधमरा करके छोड़ेगा, या ज़्यादा ही मरा, 95% मार करके 10% जान छोड़ेगा, केवल जीवित रहेंगे। इसलिए कि कोई ये ना कहे कि सुदर्शन से भगवान ने ब्राह्मण की हत्या कर दी है, ठीक है जीवित रहो, लेकिन चारों तरफ सुदर्शन चक्र उनको जला रहा था। जिधर जा रहे थे वो आगे से, बगल से, पीछे से, ऊपर से उनको दग्ध कर रहा था। उनके शरीर से खून और पीभ चलने लगा चारों तरफ, जलन के कारण। जब शरीर जल जाता है तो किस तरह दशा होती है, ये दशा दुर्वासा के हो रही थी। और भागे तथानुशक्त मुनिरीक्षमाणा, दुर्वासा मुनि देखे कि सुदर्शन बिल्कुल मेरे पीछे सट करके चल रहा है, तो वे तुरंत ही कहीं छिपने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा के तरफ भागे। मेरु पर्वत की गुफा के तरफ भागे। गुहाम विभुक्षु प्रससार मेरो, मेरु पर्वत के गुफा में भागने के लिए, कहीं छिप जाऊंगा वहाँ, वो नहीं पहुँचेगा सुदर्शन, इसलिए मेरु पर्वत के तरफ भागे। और जगह कहीं वो समझ लिए कि आश्रय नहीं मिलेगा तो अब भागना ही, वैसे में संकट में अब जहाँ तक भाग सके यही बुद्धि है, नहीं भागने पर तो वो जला करके वहीं ख़त्म कर देता। थोड़ा भाग रहे थे इसीलिए जान बची हुई थी, भाग रहे थे। कहाँ कहाँ भागे, दिशो नभ क्षमां विवरान समुद्रान लोकान सपालान त्रिदिवं गतः सह जतो जतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं प्रस दुष्प्रसहं ददर्श। सभी दिशाओं में भागे, 10 दिशाओं में। कल उत्तर भागते थे, वहाँ भी जब सुदर्शन जाता था तो उधर से पूरब भागते थे और पश्चिम भागते थे, दक्षिण, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी इस कोना में, कभी उस कोना में। जहाँ भी बड़े बड़े दर्रे हैं, बिल है, जैसे तल, अतल, बीतल, सुतल, तरातल, पाताल में भागते थे, वहाँ भी सुदर्शन चक्र पीछा किया। नभ आकाश जहाँ तक ऊँचा था सब जगह भागे, क्षमाम पृथ्वी में भागे, विवरान ये तल, अतल, बीतल आदि विवरों में, समुद्रों में धसे, समुद्र में डूब रहे हैं कि मैं ज्वाला से बच जाऊं सुदर्शन के, लेकिन सुदर्शन चक्र समुद्र में घुस करके पानी को ही खौला दिया, चारों तरफ से सींझने लगे, बिल्कुल पकने लगे दुर्वासा, तब समुद्र से निकल करके भागे। समुद्र से भागे तब लोकाल सपालान लोकान, अब उच्चतर स्वर्गीय लोकों में भागे, लोकों में भागे और वहाँ के मालिक इंद्र आदि को जा करके हाथ जोड़े, बचा लो बचा लो बचा लो, फिर वो लोग तो कोई भी सब भगा रहे थे, भागो भागो यहाँ से, हमारा लोक जल जाएगा, तुम भगवान के भक्त को मारने चले थे दुष्ट कहीं के, तुम हटो हटो हमारा स्वर्ग नष्ट हो जाएगा, ये सुदर्शन चक्र से हमारा लोक जल जाएगा, तुम भागो यहाँ से, ऐसे अपराधी को हम नहीं रखेंगे, देवता लोग इस तरह से कह रहे थे। सब जगह से भाग गए, जतो जतो धावती तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्श, जतो जतो धावती जहाँ जहाँ वो धावन कर रहे थे, भाग रहे थे, तत्र तत्र वहाँ वहाँ दुस्सह सुदर्शन को देखे, सब जगह, और बहुत दूर नहीं, सट करके चलता था निकट से ही आँच देते हुए।
उससे मर जाना अच्छा था वास्तव में, जी गए दुर्वासा यही बहुत भारी दंड भोग करके, शुरू में ही मर गए होते ठीक रहता है। इतना दुख भोगे हैं दुर्वासा जी। उस समय के बाद किसी भी भक्त से कोई भी अपराध नहीं करते, बहुत डरते। सुदर्शन की याद आती है, अलब्धनाथ सजदा कुतश्चित् संत्रस्त चित्तो अरण्येष मारः देवं विरिञ्चं समगाद् विधातस् त्राह्यात्मजो ने अजित तेजसो मान। अलब्धनाथ, अब दो व्यक्ति को छोड़ करके कहीं भी इनको शरण नहीं मिला। अभी ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास बाद में पहुँचेंगे, वर्णन आ रहा है, लेकिन देवराज इंद्र तक और सब जवाब दे दिए, कोई नहीं रखा, सब दुत्कार रहे थे, भागो भागो सुदर्शन से हमारा लोक जल जाएगा। अलब्धनाथ स जदा कुतस्य, जब कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला तब संत्रस्त चित्त बहुत अधिक भयभीत हो गए कि अब तो मरना पड़ेगा। और अरणम एषमाण, अपनी शरण खोज रहे थे, किसी की शरण ले, अंत में ये ब्रह्मा जी के लोक में गए। देवम विरिंचन समगात, ब्रह्मा जी के पास गए और चरण में गिर करके और कहते हैं, त्राहि आत्मजो ने अजित तेजसो मान, हे स्वयंभू, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, भगवान अजित के तेज से हमारी रक्षा कीजिए, इस सुदर्शन से हमारी रक्षा कीजिए। इतना सुनते ही ब्रह्मा जी क्या बोले, सुनो पहले ध्यान से सुनो। स्थानम मदीयम सह विश्वमेतर क्रीड़ावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रूभंग मात्रे रहिसं दिदक्षो कालात्मनो जस्तिरो भविष्यति। तुमको पता है दुर्वासा, ये हमारा जो स्थान है सत्य लोग यह, और इसके सारे विश्व के साथ द्विपरार्ध नामक समय में जब मेरी आयु पूरी होती है उस समय यह मेरा लोक नष्ट हो जाता है। भगवान के भौंहे टेढ़ होते ही जब इस जगत को जलाना चाहते हैं, जलाने के लिए जैसे वे आँख लाल करते हैं विष्णु भगवान और भौंहे टेढ़ करते हैं, उसी समय विश्व में आग लग जाती है, सारा संसार जल करके तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है। और ये इसका मतलब है कि ऐसे भगवान के भक्त से द्रोही, तुमको यहाँ कोई स्थान नहीं है, जल्दी भागो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इस तरह से ब्रह्मा जी बोले, जिनके भावों के इशारे मात्र से सारा संसार जल जाता है द्विपरार्ध नामक समय में, द्विपरार्ध संग काल में जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है, तो जब सारा संसार उनके भाव की मरोर से नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ऐसे प्रभु के सेवक का, भक्त का तुमने अपराध किया है, उनके साथ द्रोह किया है, अपराधी नहीं तुम उन्हें जान मारने की चेष्टा किए हो, तुम्हारा तो मैं मुंह नहीं देखना चाहता और मुझ में कोई रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ। तुमको पता है अहम भवो दक्ष भृगु प्रधाना प्रजेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम जन नियमम प्रपन्ना मूर्ध्यर्पितम लोकहितम बहाम। सुनो, मैं और भगवान शिव, दक्ष भृगु आदि प्रधान ऋषिगण, सारे प्रजापतिगण, जीवों के ईश्वर और सुरेश देवताओं के ईश्वर, सर्वे वयम जन नियमम प्रपन्ना, हम सभी लोग जिनकी शरण में हैं और जिनके द्वारा बनाए हुए नियम को हम अपने मूर्धनि अर्पित अपने सिर पर रह करके लोक हितम बहामा, हम लोक का हित करते हैं, प्रजा का पालन करते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार, ऐसे प्रभु के दास का तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, उनका तुमने वध करना चाहा, हम कदापि तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे, हमें कोई शक्ति नहीं है। इस तरह से जब ब्रह्मा जी ने जवाब दिया तो अब केवल एक व्यक्ति बचे, भगवान शिव, इसके अलावा कोई शरण में नहीं रखा। ते पहुँचे कैलाश, प्रत्याख्यातो विरिंचेन विष्णु चक्रोपतापितः
दुर्वासः शरणं यातः सर्वं कैलाशवासिनम्। जब इस प्रकार ब्रिंचेन प्रत्याख्यात, जब ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया, तो भगवान विष्णु के चक्र से अधिक तप्त होने के कारण श्री दुर्वासा जी अब प्राण बचाने के लिए कैलाश वासिनम सर्वम शरणम जात, कैलाश में रहने वाले भगवान शिव के शरण में गए। ये इन्हीं के अंश से जन्म लिए दुर्वासा जी अत्रि मुनि के यहाँ। तो भगवान शिव के चरण में गिर गए और उनसे प्रार्थना किए, हमारी रक्षा कीजिए, अथवा प्रार्थना नहीं कर पाए। इसका अर्थ है कि इतना दूर भागते भागते अब दम नहीं था बोलने का, ब्रह्मा जी तक तो बोली निकली, त्राहियात्म जो ने अजित तेज सोमा में कहने की शक्ति थी, लेकिन शिव जी के पास हाँफ रहे थे, गिर गए कैलाश में, अब बोलने की शक्ति नहीं। तो भगवान शिव देख ही ले कि सुदर्शन चक्र जला रहा है और इसमें बोलने की अब शक्ति नहीं, ये स्वयं कहते हैं, वयम् न तात प्रभवाम भूमि जस्मिन् परेण्ये प्यज जीव कोशा भवन्ति काले न भवन्ति हि दृशः सहस्रशो यत्र वयम् भ्रमामः। दुर्वासा जी कैलाश में पड़े हुए हैं, छटपटा रहे हैं, सुदर्शन चक्र ऊपर नीचे सब और उनको जला रहा था, तो उनसे शंकर जी क्या कहते हैं, उनको थोड़ी दया आ गई तो संबोधन किए, तात हे तात दुर्वासा, हम भगवान पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, हम समर्थ नहीं हैं कि उनके चक्र को शांत कर सके। तुमको पता है जिन भगवान के भीतर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी जैसे ही अनेक जीवों से भरा हुआ ब्रह्मांड और कई ब्रह्मांड अनंत अनंत ब्रह्मांड जिन भगवान से भवन्ति निकलते हैं, कदाचित न भवन्ति, कभी समा जाते हैं, कभी निकलते हैं, कभी समा जाते हैं, और मेरे जैसे हजारों लोग जिनमें चक्कर काटते हैं, उन प्रभु का तुमने अपराध किया है, उनके दास का अपराध किया है, अतः मैं रक्षा नहीं कर सकते, मुझमें सामर्थ्य नहीं है इस चक्र को शांत करने की। भगवान शिव कह रहे हैं कि हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जिनमें चक्कर काटते रहते हैं, जिनके तत्व को नहीं जानते, उन प्रभु का तुमने अपराध किया है। और ऐसे ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान से जन्म लेते हैं और फिर उन्हीं में समा जाते हैं। अहम सनत कुमारश्च नारदो भगवान अजह कपिलो अपांतर तम देवलो धर्म आसुरी मरीचि प्रमुखाश्चान्य सिद्धेशा पारदर्शिन विदाम न वयम सर्वे जन्माया माया वृता। सुनो, मैं सनत कुमार, चारों भाई नारद जी और भगवान श्री ब्रह्मा जी, भगवान कपिल देव, अपांतर तम मुनि, देवल मुनि, धर्म मुनि और आसुरी मरीचि प्रधान अन्य प्रजापतिगण और सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ जो सर्वज्ञ हैं, वेद के पारदर्शी विद्वान हैं, हम सभी भगवान की माया तक को नहीं जानते हैं, उन भगवान को क्या जानेंगे, भगवान कितना में है, कैसे है, उनका ऐश्वर्य माधुर्य कैसा है, हमें नहीं जानते हैं, उनकी माया तक को नहीं जानते हैं, क्योंकि माया आवृता, हम तो माया से घिरे हुए हैं, हम तो माया के वश में हैं, हम भगवान को क्या जान पाएंगे। पर सुनो, यदि तुम जीना चाहते हो तो बस देखो, सब आशा छोड़ दो, एक ही विश्वास करो, एक ही उपाय है, तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहमिनं तमेव शरणं जाहि हरिस्ते संविधास्यति। तुम कहीं मत भागो दुर्वासा, जिन प्रभु का यह दुसह तेज है, सुदर्शन चक्र है, सब तरह से हटकर केवल उनकी शरण में जाओ, तमेव शरणं गच्छ, तम एव उन्हीं की शरण में जाओ, भगवान विष्णु की शरण में जाओ, हरिस्ते संविधास्यति, वे हरि हैं, अपने शरण में आए हुए का दुख हर लेते हैं, अतः उन्हीं की शरण में जाओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे, और कोई तुमको नहीं बचा पाएगा।
भगवान शिव ने एक रास्ता दिया, कुछ आश्वासन दिया, जिसे डूबते को तिनके का सहारा मिलता है, इस तरह से उन्होंने एक सहारा दिया। तो बहुत बड़ा सहारा हो गया ना भाई, यहाँ जाने से भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, मतलब तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम जी जाओगे, मेरा विश्वास है। तुम भगवान से रो करके कहोगे तो वे क्षमा कर देंगे। जिनका ये चक्र है और जो माया के पति हैं, हम सब के ईश्वर हैं, ऐसे प्रभु श्री विष्णु शरण में जाने पर अवश्य तुम्हारा मंगल करेंगे। हरिश ते सम विधास्यति, तुम्हें शांति देंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे, तुम जाओ उनके पास। क्या कहा जाए, शुरू में ही तुमको उनके शरण में चले जाना चाहिए था, इतनी फजीहत नहीं हुई होती। और दूसरे के शरण में जाने पर भी कोई रखा नहीं, कुछ किया नहीं, बस इतना दुर्भागना, हैरान होना, यही भाग्य में लिखा था। शुरू में ही भगवान कृष्ण की शरण ले लेनी चाहिए। तो कई लोग कई जगह ठोकर खा खा करके तब अंत में त्वमेव माता च पिता त्वमेव करते, आप ही हमारे सब कुछ है, शुरू से ही सब कुछ है। लेकिन मनुष्यों का स्वभाव है, जब तक ठोकर नहीं खाता है तब तक उसका होश ठिकाने नहीं आता। कुछ न कुछ आदमी भरोसा रखता है, हमारा गुरु सब करेगा, हमारे स्वजन करेंगे, लेकिन काहे को कोई कुछ करने जाए। दुर्वासा ही गुरु शुरू के पास भाग करके त्रस्त हो गए, कोई कुछ नहीं किया, कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अपनी रक्षा कर ले यही काफ़ी है, दूसरे की रक्षा क्या करेगा। बहुत आदमी को भरोसा रहता है, यहाँ तक भगवान से ज़्यादा गुरु पर भरोसा रखता है, और वो गुरु चीटिंगबाज निकल जाता है, चीट करता है। हरई शिष धन सो कन हरई सो गुरु घोर नरक महापरई, शिष्य का धन तो हर लेता है गुरु, लेकिन उसका शोक हरण नहीं करता, जन्म मरण का बंधन नहीं दूर कर पाता, ऐसा गुरु स्वयं ही घोर नरक में गिरता है। शिष्यों से धन ले लेकिन उनका शोक दूर न कर, यहाँ तो देख लिए ना कि सारे गुरुजन सब लोग हार गए। अंत में भगवान शिव ने उपकार किया, उन्होंने कहा कि हरि की शरण में जाओ, श्री कृष्ण शरणम मम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, भगवान हरि शरण, उनकी शरण में जाओ। तब दुर्वासा अब क्या मरता का न करता, अब तो जीने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। ततो निराशो दुर्वासा, दुर्वासा जी बिल्कुल निराश हो गए सब तरह से, फिर भी एक आशा रह गई, वो है भगवान विष्णु की, नारायण की, वे प्रभु जरूर रक्षा करेंगे, इनको विश्वास था। लेकिन एक भक्त की जान मारना चाहते थे, इस कारण से भगवान भी अपने शरण में नहीं रखे, वो भी ठुकरा दिए। उन्होंने भेजा कि अम्बरीश के पास जाओ, अगर वो क्षमा करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मरोगे। ऐसे मुझ में शक्ति नहीं है सुदर्शन चक्र को रोकने की, भगवान ने यहाँ तक कह दिया, ये हमारे अंदर कंट्रोल में नहीं है, मैं नहीं रोक पाऊँगा। ये बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो जय, पदम मतलब धाम। इसके बाद दुर्वासा जी कैलाश से भगवान विष्णु के धाम गए, वैकुंठाख्यम, जिसको वैकुंठ कहते, जिसका नाम, जिसकी आख्या वैकुंठ है, वैकुंठाख्यम। जत जत अध्यास्ते, जहाँ पर नित्य विराजमान रहते हैं, कौन, श्रीनिवास, श्रिया सह, श्रीनिवास श्री भगवान अपनी प्रिया श्री जी के साथ जहाँ नित्य रहते हैं अपने धाम में वैकुंठ में, वहाँ दुर्वासा मुनि गए। इतनी शक्ति थी कि वहाँ जा सकते थे, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि हम भक्त को क्यों मारे, पहले सोचना चाहिए था। तो वैकुंठ गए, संदह्यमानो अजित शास्त्र बहनिना, वैकुंठ में भी सुदर्शन चक्र निकट से जला रहा था,
जिस धाम में कोई दुख नहीं है, शोक नहीं है, पीड़ा नहीं, पर भक्त का अपराध करने के कारण दुर्वासा को वैकुंठ में भी जलना पड़ रहा था। संदयमान अजित शस्त्र बहनिना, भगवान श्री विष्णु के शस्त्र की ज्वाला से, अग्नि से संदयमान चारों तरफ से दग्ध हो रहे थे दुर्वासा, और इस हालत में जा करके भगवान के चरण में गिर गए। वहीं पर श्री जी भी थे, भगवान के पार्षद भी थे, जा करके चरण के मूल में गिर गए। तत्पाद मूले पतितः सबे पति, उनके चरण में गिर करके छटपटा रहे थे, सबे पति कांप रहे थे। अब लगता था कि मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, अब मर जाएंगे। किसी तरह से इन्होंने भगवान को सुनाया प्लुत स्वर में, आह अच्युत अनंत सदीपसित प्रभो कृतागसम मावही विश्व भावना। इस प्रकार लगे कहन, हे अनंत, हे अच्युत, आप अपने कृपा में स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते हैं। हे परम कृपालु, हे अनंत, हे सदीपसित, हे सज्जनों के वांछनीय, जितने संत महात्मा वैष्णव हैं सब आपकी इच्छा करते हैं, आपको चाहते हैं। हे सर्व समर्थ और हे विश्व का पालन करने वाले, मैं बहुत बड़ा अपराध किया हूँ, आपके भक्त का अपराध किया हूँ, माम अव मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये भगवान के विशेषण जो दिए हैं तो भगवान में दया उत्पन्न करने के लिए, जैसे अच्युत, आप अपने स्वभाव से कभी च्युत नहीं होते हैं। कितना भी अपराधी से अपराधी आपकी शरण में आए तो आप उसे माफ़ कर देते हैं। हे अच्युत और हे अनंत, इस कृपा का कोई अंत नहीं है, आप सब तरह से असीम हैं, आप में सारे गुण असमूर्ध मात्रा में हैं। और सत ईप्सित सताम ईप्सित, जितने संत पुरुष हैं सब आपको ही चाहते हैं, आप सबके वांछनीय हैं। जब संतों के रक्षक हैं, सबके रक्षक हैं, हे प्रभु मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। सब जगह से मेरा दुत्कार हुआ, सब जगह से मैं हार खा करके आ गया, और मेरी सब जगह उपेक्षा हुई, मेरे प्राण कोई नहीं बचाए, प्रभु आप मेरा प्राण बचा लीजिए। आप विश्व का पालन करने वाले हैं, मुझे एक अधम ब्राह्मण का पालन कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। विश्व भावना का अर्थ यही है, आप विश्व का पालन करने में समर्थ हैं, आप हमारे एक अपराध को क्षमा कर दीजिए। अजानता ते परमानुभावम कृतम मयाघम भवत प्रियाणाम विधेहि तस्यापचितिं विधातस मुच्येत जन्नानुदते नारकोपि। मैं आपकी महान महिमा को, आप अपने भक्तों के साथ इतना स्नेह करते हैं, आपके इस अनुभव का मुझे पता नहीं था। मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया और अम्बरीश का वध करना मैं चाहा, इससे आपके समस्त भक्तों का मैंने अप्रिय किया है, तो आप अपचिति विधेयी, आप हमको क्षमा कर दीजिए हमारे अपराध को। हे प्रभु आप तो इतना महान हैं, यदि कोई नरक में जाने वाला नारकी जीव भी आपके नाम को एक बार बोल दे तो नरक से मुक्त हो जाता है। आपका ऐसा सुंदर स्वभाव है, हे नाथ, हे श्री कृष्ण, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको बचाइए। इस तरह से जब भगवान से दुर्वासा जी ने कहा, भगवान उस समय गंभीर थे, उन्होंने अनुमोदन नहीं किया, उन्होंने सीधा कहा, श्री भगवान वाच, अहम भक्त पराधीन य स्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण, भगवान का स्वभाव है ब्राह्मणों को देखकर प्रणाम करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं किए और कहते, हे द्विज, हे ब्राह्मण, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, उनके बस में रहता हूँ, और अस्वतंत्र इव, अस्वतंत्र की तरह अधीन रहता हूँ। ये मत समझो जानबूझ करके अधीन रहता है, प्रेम करते हैं इसलिए अधीन रहता है, वास्तव में मैं अस्वतंत्र की तरह उनके अधीन रहता हूँ। साधु वीर ग्रस्त हृदय,
साधुओं ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। भक्तर भक्त जन प्रिय, मेरे भक्त साधुओं ने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया है। मैं भक्तों का परम प्रिय हूँ और भक्त मेरे प्रिय हैं। तो आपका आपके रक्षण का मतलब, मैं आपकी रक्षा करता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने सारे भक्तों का वध कर रहा हूँ। आप ही बताइए कि मैं अम्बरीश की रक्षा करूँ या आपकी रक्षा करूँ। यदि मैं आपकी रक्षा करता हूँ तो आज से मेरा भक्त वत्सल नाम संसार से नष्ट हो गया। इस प्रकार भगवान के समग्र लीलाओं में यही पहला अवसर है जब भगवान अपनी शरण में आए हुए को नहीं स्वीकार किए, क्योंकि ये भक्त का अपराध करके शरण में आए थे, जान मारने की चेष्टा किए। तो भगवान कहे मैं नहीं रक्षा कर सकता, मुझ में समर्थ नहीं है, और सब कुछ मैं कर सकता हूँ लेकिन इस तरह से तुमने जो मेरे भक्त का वध करना चाहा, तुम मुझसे रक्षा की प्रार्थना कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ में शक्ति नहीं है। इस तरह भगवान ने कई श्लोक बोले हैं। इन श्लोकों की व्याख्या हम कल करेंगे, कई श्लोक हैं, थोड़ा थोड़ा करने से उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्ण।